हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्वा ऑरेंज टोन वाला फोटो एडिटिंग का ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। साथ में इसका प्रीसेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। सिंपली जो प्रीसेट की मदद से अपना फोटो को सिंगल क्लिक के अंदर अपना जो फोटो एडिटिंग है वो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं मेरे डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ। वहाँ पे ले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हो मैं मेरा फोटोशॉप के अंदर आ चुका हूँ और ये देखो मैंने फोटो ओपन कर चुका हूँ। तो इस मॉडल का दो फोटो मैंने यहाँ से ओपन किया हूँ, तो दोनों के ऊपर ट्राई करके देखूंगा किस तरह का रिजल्ट मेरे को मिलता है, वो मैं सबसे पहले देखूंगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका जो होगा, अपना फोटो को फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लीजिएगा। मैं यूज करने वाला हूँ फोटोशॉप का सीसी वर्जन। आप फोटोशॉप सीसी का 2015 से स्टार्ट करके कोई से भी वर्जन यूज कर लो, जहाँ पे कैमरा फिल्टर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाके आपको फिल्टर को डाउनलोड कर लेना है एंड उसको आपको यहां से ऑटोमेटिकली जस्ट यहां पे अप्लाई करना है और आपको फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहां पे आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको याद रख के हुए यहां पे काम करना है, जो ये प्रीसेट अप्लाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैन्युअली आपको दिखा देता हूं। बैकग्राउंड को राइट क्लिक करके आपको सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर ऐसे बना लेना है। आप चाहो तो कंट्रोल जे शॉर्टकट की दबा सकते हो डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए। तो मैंने देखो यहां से बैकग्राउंड कॉपी मेरा यहां पे क्रिएट हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट ए दबा दो या चाहो तो फिल्टर पे जाके कैमरा और फिल्टर वाला ऑप्शन चूज कर लो, तो कुछ ऐसा रिजल्ट जो ऑप्शंस जो है वो आपके पास आ जाएगा। देन ऐसा रिजल्ट जब ऑप्शन जब आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको देखो यहां से कुछ सेटिंग्स से आपको करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स करने से पहले मैं जो स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं देख लीजिए। यहां से जो प्रोफाइल होगा ये कलर से आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करो एंड यहां से आर्टिस्टिक के ऊपर जाओ एंड सिंपली आर्टिस्टिक 03 के ऊपर डबल क्लिक करो तो ये अप्लाई हुआ है। 100 कुछ ऐसा अमाउंट रहेगा, अब इसको 110 के आसपास कर दो। सबसे पहले देखो 110 के आसपास कर दिया। अब सिंपली क्या करना है आपको, यहां से बैक बटन होगा तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो सबसे पहला स्टेप से ये आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आपको डायरेक्टली जाना है कलर मिक्सर के ऊपर। देखो कलर मिक्सर के ऊपर ही पूरा पूरा काम होगा, तो कलर मिक्सर के ऊपर चली जाओ एंड यहां पे आपको जो काम होगा आपके सबसे पहले योलो के ऊपर जाओ एंड योलो का जो हुई है वो फुल्ली -100 कर दो। देखो फुल्ली -100 करने के बाद यहां पे कुछ कलर टोन वगैरह आ गया है जो आपको और भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने के लिए फुल्ली 100 सैचुरेशन करना पड़ेगा। एंड अपना फोटो देखो थोड़ी सी यहां पे ऑरेंज टाइप का कलर यहां पे ऑलरेडी आ चुका है एंड सिंपली यहां से लुमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, नियर अबाउट 10 के आसपास। देखो मैंने यहां से लुमिनेंस को 10 के आसपास इंक्रीज किया। अभी आपको जाना है ग्रीन के ऊपर, क्योंकि देखो बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारा ग्रीन कलर है, तो इसको यहाँ पे क्या करना होगा, आप फुल्ली इसको हुई को -100 कर दो एंड यहाँ से जो आपका सैचुरेशन होगा अपने मुताबिक इंक्रीज करो। जैसे कि मेरे इस फोटो के मुताबिक नियर अबाउट 40 के आसपास बढ़िया रहता है, 35 के आसपास। देखो मेरे इस फोटो पे 35 है, आपके फोटो पे अलग भी हो सकता है। तो अभी इतना सारा चीजें होने के बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी लुमिनेंस देना पड़ सकता है, बट मेरे इस फोटो में लुमिनेंस मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इस वाला ग्रीन कलर के ऊपर। एंड अभी जाओ एक्वा कलर के ऊपर एंड एक्वा का जो यहाँ पे ये वाला कलर है इसको सबसे पहले हुई को -100 करो एंड सैचुरेशन को फुल्ली 100 कर दो। तो दो जो थोड़ा सा वैकवा कलर होगा वो थोड़ी सी इस तरह से कलर ग्रेड हो जाएगा एंड साथ में आप चाहो तो थोड़ी सी लुमिनेंस को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा ब्लू कलर के ऊपर एंड यहाँ से देखो ब्लू का जो यहाँ पे कलर है इस कलर को आपको पूरा पूरा हुई को -100 करना है। देखो आप एक्चुअली यहाँ पे एक्वा कलर चाह रहे हो तो इसीलिए हुई को फुल्ली -100 करना होगा, देन सैचुरेशन को आपको फुल्ली 100 करना होगा। देखो कुछ ऐसे करने के बाद आप थोड़ा सा लुमिनेंस तो आप ऐड कर ही सकते हो। अब इतना सारा चीज़ें होने के बाद आपको जाना है यहाँ से ऑरेंज कलर के ऊपर। देखो स्किन का कलर जो होती है वो ऑरेंज कलर होती है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप लुमिनेंस को थोड़ा सा डाउन करो एंड यहाँ से जो लुमिनेंस को इंक्रीज करो, सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन करो, जो कि यूजुअल स्टेप्स है। तो आपको ये सारा चीज़ें होने के बाद आपको जाना है डायरेक्टली बेसिक के ऊपर। यहाँ से आपको डायरेक्ट जो काम करना होगा, यहाँ से वाइब्रेंस को थोड़ी सी इंक्रीज करना है नियर अबाउट 20 के आसपास एंड यहाँ से जो डेहज होगा वो डेहज को इंक्रीज कर दीजिएगा 25 के आसपास। देखो मैं जिस तरह से स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ सारा स्टेप्स को फॉलो करो। 10 के आसपास क्लियरिटी इंक्रीज करो यानी व्हाइट को आपको हो सकता है व्हाइट थोड़ी सी अप्लाई करना पड़े एंड शैडोज आपको लिटिल बिट डालना है ना, हाइलाइट्स को भी लिटिल बिट डालना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख लो। एंड इस फोटो में मेरे को थोड़े से 10 के आसपास कॉन्ट्रास्ट बढ़िया लगा, मैंने वो डाल दिया। एंड यहाँ से एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, टेम्परेचर को आप थोड़ा सा डाउन करूंगा तो यहाँ पे देखो एक्वा कलर थोड़ी थोड़ी करके आएगा, तो इसीलिए जो टेम्परेचर है -4 के आसपास डाला एंड सिंपली यहाँ से जो टिंट है वो +5 के आसपास मैंने इस तरह से डाल दिया। एंड इतना सारा चीजें आपका हो जाने के बाद आप फोटो का प्रीव्यू देख लो, पहले कुछ ऐसे था और ये जो कलर ग्रेड वगैरह करने के बाद कैसा रिजल्ट मेरे को मिला है। अभी नेक्स्ट क्या स्टेप्स है आपको, आप डायरेक्टली यहां से चली जाओ कर्व के ऊपर एंड यहां से देखो मेरा बैकग्राउंड के ऊपर रेड कलर टाइप का है तो इसलिए रेड कलर को ही चूज कर रहा हूं एंड थोड़ी सी रेड को इंक्रीज कर लो लिटिल बिट एंड लिटिल बिट इंक्रीज करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ी सी डाउन करना है कुछ मेरे जैसा एंड नीचे वाला हिस्सा को थोड़ी सी डाउन करना है कुछ इतना तक।
तो इतना होने के बाद आपका जो कलर है वो कलर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से मिल जाएगा एंड बहुत ही प्रोफेशनल टोन जो है वो आपके इस फोटो के ऊपर आ जाएगा। एंड इतना सारा चीज़ें होने के बाद डिटेल के ऊपर जाओ, यहाँ से शार्पनिंग 25 कर लो एंड नॉइज रिडक्शन 25 एंड कलर नॉइज रिडक्शन को 30 कर लो, कुछ ऐसे ऐसे करके अमाउंट आपको डालना है। एंड अभी जाओ कलर ग्रेडिंग के ऊपर। देखो कलर ग्रेडिंग के ऊपर आपको सिंपली हाईलाइट्स कलर है इसको ही चूज करके थोड़ा सा इतना तक ड्रैग करते हैं ताकि स्किन का कलर बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाए। एंड देन आप ये सारा कलर ग्रेड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट डाला, थोड़ी सी रेड के साइड पे ये वाला को डाला एंड ये वाला हिस्सा को थोड़ी सी मैं ये वाला टील कलर के साइड पे मैं कुछ ऐसे कलर के ऊपर दे दिया। अब इतना सारा चीजें होने के बाद बाद में मैं कैलिब्रेशन के ऊपर जाऊंगा। कैलिब्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कैलिब्रेशन के अंदर आपको सबसे पहले ये दो ग्रीन कलर यहाँ पे मिलेगा, इसको थोड़ी सी आपको डाउन करना पड़ेगा। देखो थोड़ी सी डाउन -25 के आसपास किया। चाहो तो सैचुरेशन को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली 0 बढ़िया है, जीरो ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे आप देखो रेड प्राइमरी वाला जो है, इस रेड प्राइमरी वाला को कुछ नहीं चेंज करना है, जस्ट सैचुरेशन चाहो तो अपने मुताबिक इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि 20 के आसपास मेरे इस फोटो में मैंने डाला हूँ। एंड सिंपली ये जो शैडोज है इसको फुल्ली 100 कर दो, ये जो शैडोज वाला फुल्ली 100 कर दो। नीचे वाला हिस्सा को थोड़ी सी इंक्रीज कर लो, जो कलर है वो कलर को फिक्स करने के लिए थोड़ी सी इंक्रीज कर लो नियर अबाउट 10 के आसपास। अब इतना सारा चीजें होने के बाद आप चाहो तो इसको डायरेक्टली अपने मुताबिक सेव कर सकते हो, यहाँ से सेव सेटिंग्स करके। चलिए आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले सेव सेटिंग्स करता हूँ डेस्कटॉप में। ये जो एक्वा प्रीसेट जो है ये मैं दोनों मैं पहले एक डू करके ऑलरेडी पहले से डाला था, सेव कर चुका हूँ एंड सिंपली ओके करता हूँ। तो ये देखो मेरा प्रोसेस होके कंप्लीट हो गया है, मैंने ये वाला एडिटिंग सिंपली ये वाला प्रीसेट को चलिए ये वाला फोटो के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो दोबारा से डुप्लीकेट लेयर कुछ ऐसे बना लिया, कंट्रोल शिफ्ट ए दबा के इसका कैमरा और फिल्टर ओपन किया। आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पे जाके लोड सेटिंग्स करना है। देखो जो आपको प्रोवाइड करूंगा जो वाला वो आपको इस तरह से अप्लाई करना है। आप चाहो तो ये वाला अप्लाई कर सकते हो एंड आप चाहो तो और एक बार लोड सेटिंग्स करके वो वाला को दिखा देता हूँ, आप जो बढ़िया लगता है। देखो स्किन का काम आप बाद में कर सकते हो, स्किन को कैसे फिक्स करना है वो भी आपको बता दूंगा। तो सिंपली इसको आप पहले अप्लाई कर लो एंड अप्लाई हो जाने के बाद देखो इसके ऊपर आपको स्किन फिक्स करने के लिए मास्क लो एंड फॉरग्राउंड कलर आपको ब्लैक रखना होगा, क्योंकि देखो मास्क का कलर जो है व्हाइट है। एंड अपनी ब्रश टूल की मदद से अगर आप ब्रश करोगे तो स्किन यहां से रिटर्न हो जाएगा, बट अदरवाइज और एक स्टेप है जो कि ये स्टेप्स आप अगर नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, अब यहां से स्मार्ज टूल की मदद से स्मार्ज कर लो, स्किन रिटच कर लो या थोड़ी सी ब्लर अप्लाई कर लो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जो रिजल्ट है वो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कुछ ऐसे करके मैं यहां से ब्रश कर रहा हूं तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहां पे मिल जाती है मेरे को। एंड अपना देखो फोटो एडिटिंग बहुत ही हो गया है यहां से बढ़िया तरीके से। अगर मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊं पहले फोटो से, चेंजेस आप खुद देख लो, बहुत ही प्रोफेशनल चेंजेस आ जाती है। एंड साथ में आपको और एक चीज दिखाता हूं, यहां पे स्किन का अगर कोई काम करना चाहते हो, जैसे स्किन का थोड़ी सी काम ऐड कर सकते हो, यहां से आप कर्व वाला लेयर ले लो एंड कर्व में आप सबसे पहले कलर को कुछ ऐसे इंक्रीज कर दो एंड ऊपर वाला हिस्सा को थोड़ी सी डाउन एंड नीचे वाला हिस्सा को कुछ ऐसे कर दो ताकि थोड़ी सी स्किन और भी ग्लो आ जाए। एंड मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट कर लो, ब्रश टूल की मदद से फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखो, क्योंकि देखो मास्क का कलर मेरा यहाँ ब्लैक है जो कि यूजुअल स्टेप्स है। एंड देन अगर आप ब्रश करोगे तो स्किन जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ से हो जाएगा, जो कि यूजुअली एक प्रोफेशनल एडिटिंग पे मिलता है, तो वैसे ही स्किन आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड अपना फोटो देख लो, अगर मैं इन दोनों को ग्रुप बनाता हूँ, चलिए ग्रुप बनाया, पहले फोटो कुछ ऐसे था, कलर ग्रेड वगैरह करने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट मेरे को मिल चुका है। तो आशा करता हूँ ये वाला एडिटिंग आप लोग को पसंद आया होगा, ये वाला ट्यूटोरियल आप लोग को हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होती तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए एडिटिंग के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।